मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। जम के मेहनत कीजिए, खूब काम कीजिए। धन संबंधी मामलों के लिए ये दिन अच्छा है। दोपहर के बाद का समय खास तौर से अच्छा है। किसी की मदद मिल सकती है, किसी का सहारा मिल सकता है, और वैसे भी हो सकता है कुछ अच्छे लोग आपसे मिले जिनसे आपका मन खुश प्रसन्न हो जाए। उपाय के तौर पर नमकीन छोटी बच्चियों में जरूर बांट दीजिएगा, तो वो जी कृपा करेंगे। वृषभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़िए, खूब मेहनत से काम कीजिए, नए नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से बातचीत होगी, उनका विश्वास जीतने को मिलेगा और कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। धन की स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिन अच्छा है। बस अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना होगा। चावल का दान कीजिए, आनंद से रहिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है या कोई आपकी निंदा करके आपको दुख देने की कोशिश कर रहा है, इनसे बच के चलना होगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, अभी तुलसी पत्ता तोड़ के अच्छे से धोकर जीभ के नीचे रखकर थोड़ी देर चूसिए, उसके बाद थूक दीजिएगा और अपने इष्ट का नाम थोड़ी देर जप के फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, समय आपके लिए ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा रखना बहुत जरूरी है। भोजन बहुत सोच समझ के लें, काम बहुत रहेगा इस दिन, लेकिन आपके द्वारा किए गए काम से संतुष्टि भी मिलेगी। इस दिन बस एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी कीमती चीज किसी को उधार मत दीजिएगा। अपने कीमती सामान, अपना कैश, पैसे, कार्ड वगैरह जो भी कुछ होते संभाल के रखिएगा। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें, और यदि कर भी रहे हैं तो खुद ड्राइव बिल्कुल ना करें। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, उड़द की दाल का दान करके नमः शिवाय का जप करिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। सिंह राशि, वक्त आपके लिए ठीक है। इस दिन शुरू किए गए कार्य अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन आपके सीनियर या आपके बॉसेस आपसे नाराज ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो आपकी वजह से वाद विवाद हो सकता है। छोटा सा उपाय, सूर्य को जल दीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, 2 बजे के बाद थोड़ा सा बेहतर समय आपका होगा। 2 बजे तक बहुत धैर्य रखिएगा, बड़े निर्णय मत लीजिएगा, किसी से पंगा मत लीजिएगा, गुस्सा गुस्सी बिल्कुल मत कीजिएगा, फिर समय धीरे धीरे अनुकूल होता जाएगा। और इस दिन विद्यार्थियों के लिए ज़रूर बहुत खास है, तो खूब मेहनत करें, आगे बढ़े, लाभ होगा। केले का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिए। तुला राशि, गुस्सा मत करिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा, अपना कार्य करते रहिएगा, अपनी रेखा लंबी करने की कोशिश कीजिएगा, लाभ ज़रूर मिल जाएगा। शाम के बाद का समय उत्तम है, चावल बांट दीजिए लोगों में। वृश्चिक राशि, आपके लिए समय थोड़ा कठिनाई के बाद बेहतर होगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा, डलका सा, कुछ उदासी महसूस करेंगे, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है इसलिए दिन सामान्य है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल खूब पीजिएगा इस दिन और अभी हनुमान जी का नाम लेकर अपने काम पर जुट जाइए। धनुराशि, समय आपके लिए अनुकूल है, इसलिए मेहनत कीजिए, अपना कार्य कीजिए, बस किसी षड्यंत्र में आप ना फंसे इसका ख्याल रखिएगा। कोई दस्तखत कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर अच्छे से लिख पढ़कर ही कीजिएगा, बाकी समय ठीक है। हल्दी का दान अवश्य कर दें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, धन की कमी थोड़ी सी चिंता दे सकती है आपको, लेकिन मंगल कार्य के लिए यदि आप जा रहे हैं तो अच्छा है। यह दिन वैसे भी मंगल कार्य की ओर सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छी मदद भी आपको मिल सकती है। उड़द की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा आज। कुंभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित और परिवार के लोगों से संबंधित, उससे बचने के लिए नमः शिवाय का भी जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक करेंगे। मीन राशि, गुस्से से नुकसान होता दिखाई दे रहा है, तेज गति से वाहन चलाने की वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है,
बस इन दो चीज़ों से बचना होगा। बाकी तो दिन बहुत बढ़िया है। मसाले का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा, सब ठीक करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।